नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 11/15। ठीक है, सुनो ध्यान से। पता है ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ये है एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी, ओपन करिए पेज नंबर 13 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में जब उसने बोला था वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्स फॉर द गिवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि प्लेलिस्ट चेक करिए पिन कॉमेंट में। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर की वहाँ पे जब हम आपको एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल कराते हैं तभी सब कुछ बता देते हैं, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन ज़रूर देखा करिए। चलिए, बहरहाल बच्चों वो ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है, ठीक, अगर हमारे पास कोई नंबर x है तो कह रहा है, ध्यान सुनो, कह रहा है कि x का अगर हम इन्वर्स निकाल लें तो क्या आएगा, सॉरी इन्वर्स कह रहा हूँ, x का अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकाल लें, एडिटिव इन्वर्स का मतलब समझते हो नेगेटिव। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान सुनिए, कह रहा है कि अगर x कोई नंबर है तो इसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स निकाल लें, मतलब माइनस एक्स, चेक करो भाई x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस एक्स ही तो होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर जीरो आ रहा है भाई। जब हम दो नंबर को ऐड करने पर आंसर जीरो आता है तो पहला दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होता है, दूसरा पहले का। ठीक, तो सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर x अगर कोई नंबर है तो इसका अगर एडिटिव इन्वर्स निकाल लें, यानी कि माइनस एक्स निकाल लें और इसका फिर से एडिटिव इन्वर्स निकाल लें, यानी कि माइनस एक्स का भी नेगेटिव निकाल लें, तो क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स प्लस, तो लिखा नहीं जाता तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन इसको करके कैसे दिखाते हैं ये बात हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसको करके हम ऐसे दिखाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है ना एक्स इज इक्वल टू 11/15, फिर हम लिखते हैं अपनी कॉपी में क्या कि एडिटिव इनवर्स ऑफ x is, ध्यान दे बच्चों, अब हम x का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो वो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू था वो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या थी, 11/15, यानी कि 11/15 का एडिटिव इनवर्स माइनस 11/15। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया बच्चों, चेक करो जरा, ये x इज इक्वल टू 11/15 है तो हम बोल सकते हैं टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, किसी भी इक्वेशन में हम बोथ साइड नेगेटिव लगा सकते हैं। यस सर, तो हमने लेफ्ट में नेगेटिव लगाया तो हमने राइट में भी नेगेटिव लगा दिया। लो अब समझ नहीं बात, तो अगर x की वैल्यू 11/15 है तो माइनस x की वैल्यू माइनस 11/15 हो जाएगी, और x का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, माइनस x होगा, यानी कि अगर x का एडिटिव इनवर्स कौन है, माइनस एक्स है, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, जीरो। यानी कि आप देखिए, x में अगर हम क्या ऐड करें, माइनस एक्स ऐड करें तो जीरो आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, आ रहा होगा, x की जगह क्या रखोगे, 11/15, और प्लस माइनस x की जगह क्या रखोगे, माइनस 11/15। ठीक, क्या इसको ऐड करने पर जीरो आ रहा है, यस सर आ रहा है। अब यहां करके नहीं दिखाना है, यहां पर आप फील कर लो कैसे आ रहा है, चेक करो, 11/15 और प्लस माइनस 11/15, जीरो आएगा कैसे, 11/15 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 11/15, चेक करो, ये नंबर नेगेटिव का है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि पॉजिटिव है, सेम नंबर, एक पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, जीरो जाएगा। ठीक, तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रही, इससे हमें पता चल रहा है क्या कि 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस 11/15। और मैंने कई बार बताया बच्चों, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 5 का एडिटिव इनवर्स माइनस 5 होता है तो माइनस 5 का भी तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 5 होता है, क्यों सर, अरे माइनस 5 में 5 ऐड करोगे जीरो जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला सेकंड का एडिटिव इनवर्स होता है, सेकंड वाला फर्स्ट का। ठीक, तो बच्चों ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि माइनस 11/15 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या आएगा, 11/15, भाई 11/15 का एडिटिव इनवर्स ये लिखा हुआ है, माइनस 11/15 का एडिटिव इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि दिस इक्वेशन या इक्वेलिटी बोल दो आप, दिस इक्वेलिटी कौन सी, ये वाली, दिस इक्वेलिटी शोज व्हाट शोज, पीछे से आगे की तरफ चलना है, मतलब आप बोलोगे दिस इक्वेलिटी शोज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 11/15 इनवर्स ऑफ माइनस 11/15 इज व्हाट, 11/15, ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन बता रही है कि माइनस 11/15 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 11/15 है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर आंसर जीरो आ रहा है। ठीक, अब सुनो, इस इक्वेशन ने जो बताया वो हमने कॉपी कर लिया,
अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, -11/15 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसका नेगेटिव ले लीजिए। बिल्कुल सही है, ठीक। तो ध्यान से सुनो, -11/15 का जो एडिटिव इनवर्स होगा कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही तो भाई दिए गए नंबर के आगे क्या लगा दो, माइनस, मतलब दिए गए नंबर का नेगेटिव कर दो, तो लो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11/15, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ये बात मेरी समझो बच्चों। उसने कहा कि इस इक्वेशन से -11/15 का एडिटिव इनवर्स 11/15 है, हमने कहा भाई निकाल के दिखाओ, तो आपने बोला अरे -11/15 का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए -11/15 के आगे माइनस लगा दो सर, ठीक है लगा दिया, तो माइनस माइनस सॉल्व करके कितना है 11/15, और दिख भी रहा है कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स कितना है 11/15 है, इसका एडिटिव इनवर्स ये रहा, निकाला कैसे आता है इसके आगे माइनस लगा के। ओके नाउ अब ध्यान दे बच्चों, ये देखिए ये माइनस है, कॉपी कर लो, ठीक, और -11/15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चेक करिए ये वाली इक्वेशन को देखो, -11/15 की जगह आप क्या लिख सकते हो, x नहीं माइनस एक्स, भाई चेक करो ना बेटा -11/15 की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू, देखो ना -11/15 इक्वल है किसके, माइनस एक्स के, यानी कि जहां जहां -11/15 आ रहा है उसकी जगह आप माइनस एक्स रख सकते हो, तो -11/15 की जगह आपने क्या रखा, माइनस एक्स रखा, इज इक्वल्स टू लगा है, लगा दिया, और 11/15 की जगह क्या रखा आपने, एक्स रखा, लो यही तो दिखाना था कि दिए गए नंबर x is equals to 11/15 के लिए माइनस ऑफ x is equals to x होता है, माइनस ऑफ x is equals to x होता है, हो गया, ऐसे करके आपको दिखाना है, ओके okay?